हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ब्लॉग लेकर आई हूँ। ये ब्लॉग टोटली लखनऊ से मनाली ट्रिप के बारे में है। ये रिसेंट के वीडियोस तो नहीं है, मेरी शादी के कुछ दिन बाद के वीडियोस हैं, जो कि हम लोग गए थे 5 डेज की टोटल ट्रिप। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जब मैं फ़्लाइट में बैठी थी। इससे पहले मैंने फ़्लाइट में कभी ट्रेवल नहीं किया था। मेरे हस्बैंड तो ऑलरेडी कई बार ट्रेवल कर चुके, इसीलिए फिर मेरे हस्बैंड ने ही डिसाइड किया कि तो भाई फ़्लाइट से ही चलेंगे। उस टाइम मुझे यूट्यूब चैनल का कोई आइडिया ही नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियोस तो शूट नहीं किए थे, सिर्फ फ़ोटोज़ क्लिक की थी। और ये हम लोग होटल से जा रहे थे सोलांग वैली, तो रास्ते का थोड़ा सा व्यू है वो मैंने कैप्चर किया था। तो अब हम लोग पहुँच चुके थे सोलांग वैली। ये हम लोग गए थे जनवरी में। हम लोग तो इस चक्कर में थे कि स्नोफॉल देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ मिला नहीं। हम लोगों का जो कैब ड्राइवर था उसने बताया कि आप लोग मिस कर दिए हैं, भी 2 दिन पहले स्नोफॉल हुआ था यहाँ पे। जो एडवेंचर लवर्स हैं उनके लिए प्लेस बिल्कुल बेस्ट था, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे एडवेंचर थे, लाइक पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग, रोपवे, स्नो स्कूटर, हॉर्स राइडिंग, बंजी जंपिंग और भी ढेर सारे थे। और कुछ तो हम लोगों ने किए भी थे। ये मैंने की थी पैराग्लाइडिंग। ये जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं वहाँ पे चढ़ के जाना था, वो भी खुद पैदल पैदल, और उसके बाद वहाँ से पैराग्लाइडिंग करनी थी। तो मैं तो आधे रास्ते पहुँच के वहाँ सोच रही थी कि मैं यहाँ से चुपचाप लौट जाऊँ, क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी। फिर मैं फाइनली गिरते पड़ते पहुँच गई उस पीक तक, और जितना मैं थकी नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया था पैराग्लाइडिंग। मैंने पैराग्लाइडिंग इतना ज़्यादा इन्जॉय किया था, आप इस बात से समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो वीडियो देखा वो मैंने खुद से शूट किया हुआ था पैराग्लाइडिंग के साथ साथ। और ये वीडियो लास्ट तक बिल्कुल भी मिस ना करें। की थी ये स्लाइडिंग, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डर रहे थे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना तो बनता ही है। अभी देखना मेरे हस्बैंड का फेस एक्सप्रेशन, वो कितना ज़्यादा डर गए थे। चुके थे लखनऊ। पता नहीं आपके साथ ये प्रॉब्लम कभी हुई है नहीं, पर मेरे साथ तो हमेशा होती ही रहती है। मैं मॉल्स वगैरह में जब जाती हूँ शॉपिंग कार्ट यूज करती हूँ, तो मेरे साथ तो ये अक्सर होता है कि मैं उसको ले जाती हूँ दूसरे डायरेक्शन में और वो अपने आप से दूसरे डायरेक्शन में जाती रहती है। ये कुछ हमारे फेवरेट पिक्स थे जो मैंने वहाँ पर क्लिक किए थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।